इस आयोजन में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, लोकसभा सांसद श्री शंकर लालवानी जी, इंदौर के मेयर श्री विश्वमित्र मार्भार्गव जी, देवी और स्वजनों, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे खुशी है कि इंदौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। अब तो इंदौर देश की स्मार्ट सिटीज में भी सबसे ऊपर है। मैं इंदौर के सभी निवासियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, केंद्र सरकार से संबंध विभागों तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स की सराहना करती हूं। उनकी कर्तव्यनिष्ठा के परिणाम स्वरूप प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों में इंदौर प्रथम स्थान पर है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में मध्य प्रदेश द्वारा बेस्ट स्टेट का गौरव प्राप्त करने पर मैं राज्य के सभी निवासियों को राज्यपाल की, मुख्यमंत्री जी के और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मैं राज्य के सभी स्मार्ट सिटीज में किए जा रहे कार्यों से जुड़े लोगों की सराहना करती हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ यूनियन टेरिटरी का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ और राज्य के प्रदर्शन के आधार पर दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले तमिलनाडु तथा संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि आज अलग अलग श्रेणियों में 66 पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्मार्ट शहरों में और राज्यों में फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बधाई देती हूँ कि आप स्मार्ट सिटीज मिशन और अन्य पहलों के माध्यम से शहरों के विकास के लिए निरंतर प्रभावी कार्य कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे इस आकलन से अवगत कराया गया है कि वर्ष 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 40 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ से अधिक हो जाएगी। तब हमारी 50% से अधिक देशवासी शहर क्षेत्रों में रहेंगे। भारत के शहर आज देश की जीडीपी में लगभग 2/3 योगदान करते हैं। अनुमान है कि शहरों का जीडीपी को कुल योगदान वर्ष 2047 तक 80% से अधिक हो जाएगा। इन आंकड़ों से ये संदेश मिलता है कि शहरों और नगरवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर भविष्य का रोड मैप तैयार करना है और उस पर आगे बढ़ना है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रत्येक विषय पर तथा हर स्तर पर सतत विकास की चर्चा में शामिल है वो है क्लाइमेट चेंज। इस संदर्भ में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क जो भारत के 100 स्मार्ट शहरों के लिए शुरू किया गया है और इस बात का उदाहरण है कि शहरों में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कार्य किया जा सकता है। आज शहरों में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ग्रीन बिल्डिंग्स तथा रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में और अधिक व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 का लक्ष्य है मेक सिटीज
and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. ये लक्ष्य शहरों के संपूर्ण और समावेशी विकास के महत्व को रेखांकित करता है. इस दिशा में हमें अभी बहुत आगे जाना है. देवियों और स्वयं, मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि शहरी विकास में हमारे देश का समग्र निवेश पिछले दशकों के दौरान पहले की तुलना में 10 गुना से भी अधिक हो गया है. बेस्ट प्रैक्टिसेस को लागू करने और वायबल बिजनेस मॉडल्स विकसित करने में स्मार्ट सिटीज मिशन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है. अभी कुछ ही दिन पहले भारत ने G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजन किए. अर्बन 20 G20 का एक सब ग्रुप था. अर्बन 20 ने शहरों के बीच जुड़ाव की एक स्थायी प्रथा स्थापित करने का प्रयास किया. इसके माध्यम से एक सामूहिक संदेश भी दिया गया है कि सतत विकास की प्राथमिकता को आगे बढ़ाने में शहर के प्रबंधन को महत्वपूर्ण भूमिका है. इसलिए विश्व के बेस्ट मैनेज शहरों की बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनके बिजनेस मॉडल्स से हमें सीखना चाहिए और अपने सफल प्रयासों को भी अन्य देशों के साथ साझा करना चाहिए. लोकल और ग्लोबल स्तर पर सहयोग करना समग्र तथा सतत विकास के लिए आवश्यक है. देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि सभी 100 स्मार्ट शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर संचालित है, जो डेटा का उपयोग करके उस पर आधारित निर्णय ले रहे हैं. हमारे नागरिकों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरे आज कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक मजबूत कदम उठाने की जरूरत है. मुझे विश्वास है कि इन 100 स्मार्ट सिटीज में किए जा रहे प्रयास हमारी 4,800 से अधिक कस्बों और शहरों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे. हमें पूरा देश में सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ नेबरहुड्स को विकसित करना है. कोई स्मार्ट सिटीज में ऐसा किया जा रहा है. इसके लिए आवश्यक है कि लोग खुद जमींदार बने और अपने शहरों तथा निवासियों के प्रति अपने कर्तव्य को समझें. डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों शहरों में हर वर्ष फैलती है. इसकी रोकथाम के लिए लोगों के प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन और संबंधित विभागों के सहयोग की आवश्यकता है. इंदौर, सूरत, कोहिमा, श्रीनगर और कई अन्य शहरों ने जन भागीदारी द्वारा सुव्यवस्थित शहरीकरण के सफल उदाहरण प्रस्तुत किए. ये प्रसन्नता की बात है कि वाराणसी, गुवाहाटी, अहमदाबाद जैसे स्मार्ट सिटीज में लैंड रिक्लामेशन किया जा रहा है और नदियों के किनारे सार्वजनिक स्थान विकसित किए जा रहा है. मैं रिवर फ्रंट्स विकसित करने और झीलों तथा जल निकाय को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यरत सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ. इस कॉन्क्लेव के विषय को अतिरिक्त विस्तार देते हुए देशवासियों के हित में ये सुझाव मैं देना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण संस्थान तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए. ऐसा करने से शहरों पर दबाव कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता का जीवन भी बेहतर होगा. मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित और देश के विभिन्न शहरों से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े मेयर्स एंड म्यूनिसिपल कमिश्नर्स से कुछ बातें कहना चाहती हूँ. आप सब लोग अपने शहर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हमारा देश अमृत काल से गुजर रहा है, जो देशवासियों के लिए कर्तव्य काल भी है. इस महत्वपूर्ण कालखंड में आप सबको निरंतर नए विश्वास और
नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। मैं आशा करती हूं कि इस कॉन्क्लेव में साझा किए गए सफल प्रयासों की जानकारी का उपयोग आप सब अपने अपने शहरों में करेंगे। ऐसा करके आप सब इस आयोजन को और अधिक सार्थक बनाएंगे। आपके प्रयासों तथा उपलब्धियों के लिए मैं पुनः आप सभी की सराहना करती हूं और आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, आपकी सराहना और आपके शुभकामनाओं से।